हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेके नेशनल न्यूज मुंबई। जेके नेशनल न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं आप सबकी फ्रेंड महविश। नमस्कार नगरजनों, आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट छप कर आया है कि मुंबई शहर के जो स्लम में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो सिर्फ 7.2% जगह पर लोग रहते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बताता हूं कि या तो ये सर्वे इनका गलत है, अगर इनका सर्वे गलत है सही है तो विषय में और भी गंभीरता आ जाती है, क्योंकि मुंबई शहर के कुल जमीन में से 7.2% जमीन पर 60% लोग रहते हैं, यानी झोपड़पट्टी में 7% लोग रहते हैं। ये बहुत लंबे समय से हम सब लोग सुन रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा रहेगा, डेवलपमेंट होने के बाद 5% कम हुआ होगा, तो अबाव 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो अबाव 50% यानी 50 लाख से भी ज्यादा लोग 7.2% जमीन पर रहते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। ये बात मैं फिर एक बार आप सबके सामने इसलिए ला रहा हूँ कि मैं मुंबई को स्लम फ्री मुंबई करने का हम सबका सपना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि देश को जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे तब सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए। और मैं इस विषय को बहुत दिनों से चला रहा हूं। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने मुझे इस काम की जवाबदारी दी, हमने एक फेस लाइव पर सारी जानकारी दी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से लेकर हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र रावत तक सभी लोगों को वापस रिमाइंडर भेज के भी इसके ऊपर थोड़ा गति बढ़ाने का हमने अपील किया है, लेकिन कोई गति बढ़ता हुआ दिखाई देता नहीं है। इसमें सरकारी लोगों के, मंत्रियों के या तो ऑफिसरों का जो भी दिरंगाई या तो अन्य अन्य माध्यमों से काम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है वो तो एक बात सही है, लेकिन 50% लोग जो बस्ती में रहने वाले जो लीडर लोग हैं उनके तरफ से इसमें बहुत बड़ी रुकावट है। इस बात को भी हम सब लोगों ने ध्यान में लेना चाहिए। और ठिकरा सारा फोड़ा जा रहा है बिल्डरों के ऊपर। बिल्डरों का जो दोष है वो है, लेकिन बहुत 2-5% लोग होंगे जिन्होंने काम चालू करके बंद कर दिया है, लेकिन 95% बिल्डर लोग इस काम को गति देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से कोई कोऑपरेशन न मिलने की वजह से कुल मिलकर सभी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से भी इनके पीछे कोई खड़ा रहता नहीं है, इसलिए ये स्लम के काम आगे बढ़ते नहीं है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिर एक बार इस बात को छेड़ा है तो मैंने इस बात का खुलासा करने का प्रयास इसलिए भी कर रहा हूं कि लोगों को लगेगा भाई ठीक है 92% लोग तो सुखी है, ऐसा भी एक मैसेज चला जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट गलत है, अगर ये सही है तो ग्रेविटी और बढ़ जाती है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर इसके ऊपर काम करके झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को एक नया जीवन जीने का व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि इस मुंबई शहर को चलाने का पूरा काम ये झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग करते हैं, चाहे वो भाजी बेचने वाला हो, कड़िया का काम करने वाला हो, बिगारी का काम करने वाला हो, जितने भी पैसे वाले लोग हैं उनका ड्राइविंग करने वाले हो, सारे घर के फ्लैट में काम करने वाली जो महिला घर काम करती है वो हो, ऐसे सारे लोग ये झोपड़पट्टी में से आकर इस मुंबई शहर को चलाते हैं। इसलिए हम सबकी चिंता और जवाबदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि आप मेरी भावनाओं को समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।